गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ खुशबू दुबे। आज मैं आपको बांसुरी डेकोरेट करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बांसुरी कैसे बनती है। जिनके पास घर पे बांसुरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बांसुरी घर पे कैसे बनाएंगे और उसे कैसे डेकोरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और उससे हमें क्या करनी है, बांसुरी बनानी है। जिनके पास घर पे बांसुरी अवेलेबल नहीं है, तो हम न्यूज़पेपर से बांसुरी बना सकते हैं और फिर उसको डेकोरेट करेंगे। ओके, तो देखिए, सब बांसुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, न्यूज़पेपर को फोल्ड करेंगे। किस तरीके से फोल्ड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना और बहुत बारीकी से फोल्ड करना है। देखिए, ऐसे हम पेपर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और बहुत छोटे छोटे करना है, ज़्यादा बड़ा वो नहीं साइज लेना, एकदम छोटे छोटे उसमें फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और हो सके तो बीच बीच में ना क्या करना है, आपको फेविकॉल ज़रूर लगानी है। जैसे बीच में ना फेविकॉल, जैसे मैंने यहाँ फेविकॉल लगा दी बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बीच में फेविकॉल लगानी है, बहुत हल्की हल्की लगानी है, ज़्यादा मत लेना नहीं तो खराब हो जाएगा न्यूज़पेपर। बहुत हल्के से लगानी है, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करते जाएं, अब बीच में एक बार फेविकॉल लगा ले, मैंने फेविकॉल लगा ली बीच में, जैसा कि मैंने बताया, एकदम हल्की हल्की लेनी है फेविकॉल, और ये इस तरीके से फोल्ड करते हैं। बहुत बारीकी से करें। अब हम क्या करेंगे, इसमें फेविकॉल लगा लेंगे, यहाँ पे हल्की सी फेविकॉल लगा लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, फेविकॉल से चिपक गई और ये हमारी न्यूज़पेपर वाली बांसुरी तैयार हो गई है। इस तरीके से आपको बांसुरी बनानी है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि मेरे पास गोटा है तो मैं गोटे का यूज़ लूँगी, आपके पास रिबन हो या फिर जो भी सजावट का सामान हो, आप उसको यूज़ ले सकते हैं। तो अब हम गोटा चिपकाते हैं, तो गोटा चिपकाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी फेविकॉल लगाएंगे, थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा भर के नहीं लेनी है, इसको थोड़ा फैला लीजिए। इस तरीके से आपको बांसुरी बनानी है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि मेरे पास गोटा है तो मैं गोटे का यूज़ लूँगी, आपके पास रिबन हो या फिर जो भी सजावट का सामान हो, आप उसको यूज़ ले सकते हैं। तो अब हम गोटा चिपकाते हैं, तो गोटा चिपकाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी फेविकॉल लगाएंगे, थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा भर के नहीं लेनी है, इसको आप थोड़ा फैला लीजिए, अच्छी तरीके से फैला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर गोटा चिपकाएंगे। तो गोटा देखिए मैं कैसे चिपका रही हूँ, बहुत ध्यान से चिपकाना है, इसी तरीके से आपको भी इस तरीके से चिपकाएंगे। फेविकॉल यूज़ ले लीजिए थोड़ी सी, जब ज़रूरत पड़े तो फेविकॉल यूज़ ले सकते हैं आप, जिसमें मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैंने यहाँ फेविकॉल यूज़ ली, और फेविकॉल यूज़ ली और इसको पूरे अच्छे तरह फैला ली, क्योंकि मैंने पूरे उसमें नहीं लगाई है, इसमें थोड़ी थोड़ी में फेविकॉल लगाई है, पूरे उसमें ना लगाएं तो फेविकॉल सूख जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके लगाएं और चिपकाते जाएं और फेविकॉल लगाते जाएं, इस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से अब आप गोटा रोल करते जाइए, इस तरीके से पूरे में आपको इसी तरीके से लगानी है, एकदम हल्के हाथ से करें। पूरे में आपको इसी तरीके से लगानी है, और देखिए पूरे में हमने गोटा लगा दिया है, तो कुछ इस तरीके से दिख रही है बांसुरी ना। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये रिबन वाला जो है गोटा है, इसको हम लगाएंगे। तो देखिए अब इसको मैं कैसे लगाती हूँ, आपके पास मोती है तो आप मोती का भी यूज़ दे सकते हैं, बट मेरे पास ये वाला गोटा है तो मैंने इसमें यहाँ गोटे का यूज़ लिया डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर मैं एक और इसके ऊपर गोटा लगाऊंगी,
देखिए कुछ इस तरीके से लगाऊंगी मैं, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गोटा लगेगा। ठीक है, अब हम इसको चिपका देते हैं गोटे को। देखिए मैंने चिपका दिया इस तरीके से, लगा दिया जैसे मैंने बताया था वैसे ही लगाया है, अच्छे से चिपका चुकी हूँ मैं इसको। पूरे में मैंने फेविकोल यूज नहीं लिए, ठीक है, इस तरीके से आप भी लगा दीजिए। ज़्यादा बड़ी है तो इसको काट दीजिए, मैंने काट दी है। सीधे से रोल करते जाइए, इस तरीके से पूरे में आपको इसी तरीके से लगानी है, एकदम हल्के हाथ से करें। पूरे में आपको इसी तरीके से लगानी है, और देखिए पूरे में हमने गोटा लगा दिया है, तो कुछ इस तरीके से दिख रही है बांसुरी ना। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये रिबन वाला जो है गोटा है, इसको हम लगाएंगे। तो देखिए अब इसको मैं कैसे लगाती हूँ। आपके पास मोती है तो आप मोती का भी यूज़ दे सकते हैं, बट मेरे पास ये वाला गोटा है तो मैंने इसमें यहाँ गोटे का यूज़ लिया डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर मैं एक और इसके ऊपर गोटा लगाऊंगी, ये कुछ इस तरीके से लगाऊंगी मैं, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गोटा लगेगा। ठीक है, अब हम इसको चिपका देते हैं गोटे को। मैंने चिपका दिया इस तरीके से, लगा दिया जैसे मैंने बताया था वैसे ही लगाया है, अच्छे से चिपका चुकी हूँ मैं इसको। पूरे में मैंने फेविकोल यूज नहीं लिए, ठीक है, इस तरीके से आप भी लगा दीजिए। ज़्यादा बड़ी है तो इसको काट दीजिए, मैंने काट दी है। सीधे से देखिए, देखिए गोटा चिपकाने के बाद बांसुरी कितनी सुंदर लग रही है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास राखी हो या कुछ हो तो हम उसका यूज़ करेंगे लास्ट में, जो बांसुरी की जो लटकन लगी रहती है ना वो लगाएंगे। तो अब आप इसमें राखी का यूज़ भी ले सकते हैं, जो मेरे पास ये राखी है चूड़ा राखी जिसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे उसका यूज़ लिया, तो आप उसको इस तरीके से बांध सकते हैं। इस तरीके से बांध दीजिए या फिर आप इसे लगा दीजिए, मैंने इसको बांध दिया है। और इस तरीके से हमारी बांसुरी रेडी हो चुकी है। आप घर पे भी न्यूज़पेपर को इसी तरीके से यूज़ ले सकते हैं, आप ऐसे बांसुरी बना सकते हैं जिसके पास अवेलेबल नहीं है घर पे। ओके, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इसी तरीके से आप सजा सकते हैं बांसुरी को। देखिए